तो चलिए यार, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एसिटिलीन गैस के साथ एक और फन। इसमें हम लेते हैं बोतल ब्लास्ट पहले नंबर पर। इसके लिए हम एक खाली बोतल लेते हैं और बोतल के अंदर डालते हैं कार्बाइड के स्टोन्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी क्या करेगा, इसमें अभिक्रिया करके बनाएगा बहुत सारी एसिटिलीन गैस, और ये गैस क्या करेगी, इस बोतल को कर देगी पूरी तरह ब्लास्ट। तो चलिए देखते हैं इसका मैजिक। तो हमारी बोतल का हो गया है ये हाल। बोतल बेचारी पूरी तरह फट चुकी है और बोतल की कंडीशन ये हो गई है। तो यार, पहले पार्ट के अंदर तो हमें इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन दूसरे पार्ट के अंदर हमें आने वाला है बहुत सारा मज़ा, क्योंकि हम इसके अंदर करने वाले हैं एक अच्छा सा ब्लास्ट। इसके लिए हम खोदते हैं गड्ढा, गड्ढे के अंदर डालते हैं एक प्लास्टिक का बाउल, और बाउल के अंदर हम डालेंगे कार्बाइड स्टोन। इसके लिए हमने बनाया है एक सर्किट ताकि ब्लास्ट करने के लिए। इसके लिए हमने लिए ग्रेफाइट स्टिक, उसके लपेट दिया है माचिस स्टिक्स, और इसको तारों से इस तरह कनेक्ट कर दिया है। इन तारों के अंदर हम डालेंगे 12 वोल्ट का करंट ताकि ये ब्लास्ट हो सके। तो चलिए हम देखते हैं इस सर्किट को किस तरह लगाएंगे। इस सर्किट को हम लगाते हैं बाल्टियों के अंदर कुछ इस तरह, और टेप से फिर इसके अंदर चिपका देते हैं। अब इसको अच्छी तरह चिपकाने के बाद हम करते हैं आगे की क्रिया। इसके लिए उस जो हमने गड्ढा बनाया था उसमें डालते हैं कार्बाइड के स्टोन। ये कार्बाइड के स्टोन हैं। इसको डालने के बाद हम सिंपली इसमें डाल देते हैं आवश्यकता अनुसार पानी। अभी हमने डाल दिया इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग पानी, और बाल्टी को रख दिया कुछ इस तरह। इसको डाल बाल्टी को रखने के बाद हम कवर करते हैं इसको मिट्टी से, ताकि जो भी एसिटिलीन गैस बने वो बाहर ना निकले और इस बाल्टी के अंदर ही रहे। ये एक तरह का सील का काम करता है। चलिए हम देखते हैं ब्लास्ट, जिसको हम ट्रैक्टर की बैटरी से करते हैं। देखते हैं मैजिक। ये काफ़ी एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट था और मज़ा आ गया इसमें। तो चलिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए इसको, ताकि हम और नए नए वीडियोस अपडेट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।